हाय गाइस, करी विद कमल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मसाला। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने पैन में 3 बड़े चम्मच ऑयल गरम करके 150 ग्राम पनीर क्यूब सेलो फ्राई करने के लिए डाल दी है। बीच बीच में हम इसको पलटते रहेंगे जिससे कि चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। ये हमारी पनीर क्यूब सेलो फ्राई हो चुकी है, रंग भी ब्राउनिश हो चुका है। अब हम इसको निकाल के साइड पे रख लेते हैं। जिस तेल में हमने पनीर को शैलो फ्राई किया था उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है। ऑयल की जगह पे आप बटर या घी भी यूज कर सकते हैं। ऑयल गर्म होते ही उसमें तेज पत्ता डाल दें, 2-3 लौंग, 2-3 दालचीनी के टुकड़े डाल दें, 1 टीस्पून जीरा ऐड कर दें। जीरा चटकते ही 2 मीडियम साइज के कद्दूकस किए हुए प्याज इसमें ऐड कर दें। अच्छे से मिक्स कर लें और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सॉटे करें। ये हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से चला लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक सॉटे करेंगे। अब हम इसमें 2 टमाटरों की प्यूरी ऐड कर देंगे, साथ में ही सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च मिला के 1 टेबलस्पून ली है मैंने, वो भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं किचन किंग मसाला यूज कर रही हूँ। किचन किंग मसाला डालने से सब्जी रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। नमक स्वाद अनुसार डाल दें। अच्छे से मिक्स कर लें और ग्रेवी में से तेल अलग होने तक इसे पकाएं। ये आप देख सकते हैं ग्रेवी में से तेल अलग हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से चलाएंगे। यहाँ पे मुझे पानी कम लग रहा है इसलिए मैं इसमें 1/2 कप पानी और ऐड करूंगी। टोटल मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे जिससे कि ग्रेवी अच्छे से पक जाए। ये तकरीबन 7-8 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें 3 बड़े चम्मच होममेड मलाई डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पे बाजार की फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शैलो फ्राई किया हुआ पनीर ऐड कर देंगे। साथ में ही थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। रोस्टेड की हुई कसूरी मेथी को हाथों से मसल के ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके 5 मिनट तक और पका लेंगे। ये 5 मिनट के बाद हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मसाला रेडी टू सर्व है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से सेट कर लें। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और सब्जी को 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे, फिर डिश आउट करेंगे। पनीर से गार्निश करें और गर्मा गर्म सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वापिस जरूर लौटिएगा।